एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पियू और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर में आप इजीली कैसे माइक्रोवेव को क्लीन करें। देखिए, मेरा माइक्रोवेव बहुत दिन से क्लीन नहीं हुआ तो कितना डर्टी दिख रहा है। अब मैं इसको क्लीन करूँगी और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कैसे माइक्रोवेव को इजीली क्लीन करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सब लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मैं जब जब न्यू वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जो सब लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए मुझे पहले एक ऐसा माइक्रोवेव से बुक चाहिए, उसमें इसके बाद पानी भरना होगा, इसके बाद एक नींबू लेना होगा। आप आधा भी दे सकते हैं और 1/4 भी दे सकते हैं। मैं 1/4 नींबू यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसको पानी में डुबो देना होगा। इसके बाद उस पानी में भरे बोल को माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना होगा। कंप्लीट होने के बाद उस बोल को पहले निकालना होगा और निकाल के बाहर रख देना होगा। इसके बाद माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए एक मिक्सचर हमें रेडी करना होगा। एक मिक्सचर में पहले जाएगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डिश वॉशिंग जेल। इसके बाद माइक्रोवेव से जो पानी आपने निकाला था वो थोड़ा सा गर्म होगा और उसमें नींबू भी अच्छी तरह से घुल गया होगा, तो उस वाटर का एक टेबलस्पून लेके आपको इसके साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको माइक्रोवेव में अंदर जो प्लेट्स होते हैं कांच के वो और उसके नीचे जो होता है उसको निकाल के बाहर रख देना होगा। इसके बाद हमने जो बनाया है उससे हल्की हाथों से घिस के माइक्रोवेव को अच्छी तरह से क्लीन करना होगा। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद एक ऐसा कपड़ा पानी में भिगो के थोड़ा सा निचोड़ के इससे अच्छी तरह से सब कुछ साफ कर लेना होगा। ऐसे आपको 2 बार करना होगा ताकि माइक्रोवेव से अच्छी तरह से सब कुछ निकल जाए और क्लीन हो जाए। इसके बाद आपने जो प्लेट और वो नीचे के जो पार्ट था उसको निकाल के जो रखा था उसको उसी मिक्सचर से अच्छी तरह से क्लीन करना होगा। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद इसको अच्छी तरह से धो के इसको सुखाने के लिए कुछ देर रखना होगा। अभी हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। माइक्रोवेव के अंदर जो प्लेट था और उसके नीचे वाला जो पार्ट था उसको अच्छी तरह से सुखा के अभी माइक्रोवेव के अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे जैसे वो था। अभी आपका माइक्रोवेव पूरा क्लीन होकर रेडी हो गया फिर से। तो अभी घर में ही माइक्रोवेव क्लीन करना कितना आसान और इजी है। आप जब भी चाहो ऐसे माइक्रोवेव क्लीन कर सकते हो। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना आपको ये मेथड कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।